जब भी हम ऐसे डिफरेंट से आउटफिट्स पहनते हैं ना वी टेंड टू तो फील लिटिल स्पेशल बिकॉज आफ्टर ऑल आउटफिट्स क्लोथ हमारे मूड और फीलिंग्स को तो अफेक्ट करते ही करते हैं हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी दिव्या एंड आई पोस्ट वीडियोस रिलेटेड टू फैशन फिटनेस एंड स्टाइलिंग एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमेजिंग कलेक्शन ऑफ स्वेटर्स जो आगे आने वाले विंटर्स में भी बहुत यूजफुल होने वाली है एंड इन फैक्ट आई हैव ट्राइड एडिंग मल्टीपल वेराइटीज ठंड नहीं होती है एंड ऑल्सो सम आर ग्रेट फॉर इवनिंग जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस वट बिफोर दैट इफ यूर न्यू हेयर प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन सी ऑल द अमेजिंग कॉन्टेंट आई पोस्ट शेयर नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टीडियो सो सबसे पहले शुरू करते हैं इस स्वेटर से दिस इज ब्लैक एंड वाइट इन एनिमल प्रिंट डिजाइन सी <laughs> ये हाई नेक में है विद फुल स्लीव्स एंड मुझे बेस्ट पार्ट इस स्वेटर का पता है क्या लगा है वो है इसका फैब्रिक दिस इज अल्ट्रा सॉफ्ट मतलब इतना ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है ना पहनने में और एकदम ऐसा लाइट वेट लगता है आई वुड नॉट से कि ये वाला जो स्वेटर है दिस इज वेरी वेरी वॉर्म बट जब लाइट विंटर्स होती है ना या स्टार्टिंग ऑफ विंटर्स होती है जब हमें ज्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनने होते हैं तब के लिए तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है वैसे मुझे लगता है ये आप ज्यादा ठंड में भी पहन पाओगे इजिली क्योंकि ये वाले जो फैब्रिक होते हैं ना सॉफ्ट वाले के वैसे ही बॉडी को बहुत ज्यादा गर्म रखते हैं और जस्ट आप अपना नीचे इनर पहन लो या फिर कोई भी वार्मर पहन लो एंड इट विल बी योर परफेक्ट विंटर वियर वैसे ना मैंने ये मीशो से ऑर्डर करा है और मुझे तो ये बिल्कुल बहुत ही सुपर अफोर्डेबल डील लगी है इसकी इट जस्ट कॉस्टेड मी ओनली ₹225 फॉर दिस अमेजिंग स्वेटर वैसे जो है ना मतलब आ, मीशो पे क्या है कि जैसे अलग अलग साइजेस के अलग अलग प्राइस ऑप्शंस हैं जैसे मैंने स्मॉल साइज मंगाया है तो मुझे 225 का पड़ा है ऐसे ही मीडियम लार्ज वैसे ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है 235 265 ऐसे ही है और एक बेस्ट चीज तो यार रहती है कि जब आप ऑनलाइन पे कर रहे हो ना तो मीशो गिव यू एडिशनल डिस्काउंट तो मुझे सब कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट लगा के जो है टू का पड़ा है विच आई थिंक इज अ वेरी गुड डील वैसे मैंने इसका जो है ये ब्लैक एंड वाइट मंगवाया है इसमें ना और प्रिंट ऑप्शंस भी है जैसे एक मरून कलर का एनिमल प्रिंट डिजाइन था एक लेपर्ड प्रिंट डिजाइन भी है बट मैंने इनिशियली टू बी ऑन अ सेफर साइड ब्लैक एंड वाइट मंगवा लिया क्योंकि वो तो मोस्टली सारे आउटफिट्स के साथ ही जाता है बट <laughs> अब पता है मुझे ये इतना अच्छा लगा है मैं ना थोड़ी सी मतलब मुझे ऐसे ना अंदर से चुल जाग रही है कि <laughs> मैं एनिमल प्रिंट वाला और वो जो दूसरा मरून वाला भी है ना लेपर्ड प्रिंट और मरून प्रिंट एनिमल प्रिंट वाला दोनों मंगवा लूँ क्योंकि ये वैसे भी बहुत यूज होने वाले हैं और अभी आगे ठंड तो आने ही वाली है तो कपड़े तो चाहिए ही चाहिए तो आई एम थिंकिंग टू ऑर्डर दोज एज वेल बट सीरियसली मैंने इसको देखो पैर किया है अपनी वाइट स्कर्ट और जस्ट अपनी ब्लैक स्टॉकिंग्स के साथ और ये कितनी अमेजिंग ड्रेस लग रही है ऐसे ही आप इसको जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो इनफैक्ट अगर थोड़ी सी नीचे में फॉर्मल टाइप की कोई स्ट्रेट स्कर्ट भी पहन लू ना इसमें ब्लैक कलर की तो ये एकदम मतलब पार्टी में भी पहना जा सकता है विद लॉन्ग शूज एंड ऑल ना इट लुक्स वेरी वेरी गुड सो या आई वुड से इट्स अ अप फॉर मी सो सेकंड इन द कलेक्शन आई हैव दिस वन एंड ट्रस्ट मी गर्ल्स यू लव इट से यार ये कितना प्यारा स्वेटर है मतलब रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है इसका विद हार्ट शेप डिज़ाइन एंड इट इज लुकिंग सो क्यूट मुझे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था ना वो इनफैक्ट इसका डिज़ाइन ही लगा था मैंने तभी इसको ऑर्डर करा था वैसे तो मतलब इट्स वी नेक एंड स्लीवलेस और इस टाइप के जो स्लीवलेस स्वेटर्स है ना वो वैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है मैंने बस इसके नीचे अपनी वाइट टॉप कैरी की है आप वाइट स्वेटर भी पहन सकते हो अगर थोड़ी सी ठंड ज्यादा है जस्ट मैंने जींस और अपने स्नीकर्स पहने हैं एंड इट इज लुकिंग लाइक अ परफेक्ट कॉलेज आउटफिट एंड इस इनफैक्ट इस पैटर्न की वजह से ना ये बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश सा लुक भी क्रिएट कर रहा है और जब भी हम ऐसे डिफरेंट से आउटफिट्स पहनते हैं ना वी टेन टू फील इट इज स्पेशल बिकॉज आफ्टर ऑल आउटफिट क्लोथ हमारे मूड और फीलिंग्स को तो अफेक्ट करते ही करते हैं सो आई एम इन लव विद दिस वैसे ना इसको आप अपनी फॉर्मल शर्ट के साथ भी पहन सकते हो अगर आपके पास व्हाइट कलर की प्लेन शर्ट है ना उसके ऊपर जब हम स्लीवलेस टाइप के स्वेटर्स पहनते हैं तो वो भी बहुत अमेजिंग सा लुक देता है और ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मंगवाया है इसका अराउंड 500 समथिंग का ही कुछ पड़ा है और उस प्राइस में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है आई एम इन लव विद दिस स्वेटर दिस इज लाइक माई अल्टीमेट प्योर लव सो आई थिंक गर्ल्स आपको ये तो पचे जरूर करना ही चाहिए मैं इनफैक्ट सारे के सारे जो लिंक्स है ना मेरे कपड़ों के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी सो इट विल बी ईजीअर फॉर यू टू बाय बट ट्रस्ट मी दिस इज प्योर लव सो नेक्स्ट आई हैव इज दिस स्वेटर सी इट इज न्यूड इन कलर क्रॉप स्वेटर है ये विद नेक सो क्रॉप स्वेटर है मतलब ये ना बिल्कुल यहाँ तक आता है तो आपको नीचे अपनी कोई टी शर्ट या कोई भी ब्लैक कलर का इनर वगैरह वेयर करना पड़ेगा बट दिस क्रॉप स्वेटर स्टाइलिश इसको ना मैंने अपनी ब्लैक स्कर्ट के साथ बेयर किया है ये स्कर्ट मैंने पहले भी वीडियो में आपको शो करी है और इसके साथ मैंने लॉन्ग शूज पहने हैं नीचे जो है मैंने अपनी स्टॉकिंग्स पहन ली स्कर्ट के नीचे तो ये मेरा तो परफेक्ट विंटर वेयर आउटफिट बन गया है और इनफैक्ट पता है ये इतना ज्यादा वॉर्म है इसमें ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है आप बिलीव नहीं करोगे मैंने ये ड्रेस पहन के ना पैराग्लाइडिंग करी थी बीर में और ऊपर तो आपको पता ही है यार ऊपर हाइट विथ कितनी ठंड होती है बट मैंने सिर्फ और सिर्फ ये स्वेटर पहन रखा था नीचे आई वॉज जस्ट व्ययरिंग प्लेन माई ब्लैक टी शर्ट और मुझे सीरियसली बिल्कुल ठंड नहीं लगी ये इतना ज्यादा गर्म है मतलब मुझे मजा आ गया इसको खरीद के क्योंकि मेरे जैसे बंदे के लिए ना जिसको बहुत ज्यादा अल्टीमेटली ठंड लगती है ऐसे टाइप के स्वेटर्स बहुत सही रहते हैं जो बस एक स्वेटर पहनो और हो गया काम आपको और कुछ पहनने की जो है वो नीड ही नहीं है सो यस एंड इनफैक्ट इसका जो ये न्यूड कलर है ना ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि न्यूड कलर जो होता है ना वो डार्क बॉटम्स के साथ और इनफैक्ट एवरी कलर कॉम्बिनेशन के साथ न्यूड कलर बहुत अच्छा लगता है बट तो स्पेशली इफ यू आर डार्क बॉटम्स जैसे ब्लैक के साथ जाएगा ग्रे डार्क ग्रे कलर का आपका कोई भी बॉटम है मरून कलर का बॉटम है सबके साथ जो है ना न्यूड कलर जाता ही जाता है वैसे ये स्वेटर जो मैंने खरीदा था ना आई वॉटेट फॉर रुपीज सेवन हंड्रेड रुपीज़ बट मैंने ये किसी ऑनलाइन वेबसाइट uh, से परचेज़ नहीं करा है मैंने यहीं अपने घर के पास एक लोकल स्टोर से खरीदा है बट डोंट वरी दे ऑल्सो डिलीवर वो मैंने उनसे पूछ लिया था वो डिलीवर भी करते हैं सो इफ़ यू वॉन्ट इसका uh, जो स्वेटर का वॉट आई डू आई अटैच द फोन नंबर ऑफ द पर्सन ऑफ द कंसर्न पर्सन अगर आपको ये अच्छा लग रहा है मेरा पहना हुआ तो यू कैन जस्ट कॉल देम डायरेक्टली एंड दे विल डिलीवर टू योर प्लेस एज वेल बट आई सीरियसली लव मतलब ऐसे नहीं ये सा, इसका डिजाइन बना हुआ है लॉन्ग स्लीव है यहाँ पे इसके जैसे बटंस अटैचड है तो उससे बहुत कूल लुक आ रहा है इनफैक्ट ये जीन्स के साथ भी अच्छा लगेगा बट मुझे ज्यादा ये अच्छा अपनी स्कर्ट के साथ लग रहा था सो येस आई लव दिस वन एंड दिस इज ऑल्सो मतलब दैट काइंड मैं मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलाने वाली हूँ मैं इससे बोर नहीं हूँ इस स्वेटर से कभी भी क्योंकि कलर ही ऐसा है <laughs> ऐसे बेसिक से कलर्स तो जैसे आपको पता ही है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं हम इनको री यूज कर सकते हैं सो येस गर्ल्स दिस स्वेटर डेफिनेटली एड सो नेक्स्ट इन द कलेक्शन इज दिस पर्पल पुलोवर आई लोपन आप सी बिल्कुल प्लेन पर्पल कलर का यह पुलोवर है विद हाई नेक और इस टाइप का प्लेन पुलोवर जो है मैंने इस बार विंटर कलेक्शन में ऐड किया है क्योंकि ये ना स्लिम फिट लुक में है एंड इट इज बॉडी हगिंग जब इसको पहनते हैं तो थोड़ा सा फॉर्मल लुक भी आता है सो ऑफिस वियर में जब भी आपको कंफ्यूजन होना कि ठंड में क्या कपड़े पहने वही <laughs> तो इस टाइप के पुलोवर्स आप अपने वॉर्ड्रोब में रख सकते हो जो एक फॉर्मल लुक भी देते हैं और क्योंकि कोई भी प्रिंट नहीं है प्लेन सा है ना तो डिसेंट तो लगेगा ही लगेगा ये इसको जैसे आप देख सकते हो मैंने पेयर करा है अपनी वाइट जेगिंग्स के साथ और बस मैंने नीचे अपनी न्यूड हीस पहन ली है तो ये सेमी फॉर्मल फॉर्मल काइंड ऑफ लुक जो है देर है ये वाला स्वेटर क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है ये ना मैंने टोक्यो टॉकीज करके ब्रांड है वैसे मैंने मंगाया तो मिंत्रा से है ये बट टोक्यो टॉकीज इज अ ब्रांड जिनसे मैंने ये ऑर्डर करा है एंड आई लाइक द क्वालिटी मैं इसको बहुत बार पहन चुकी हूँ इनफैक्ट मैंने इसको वॉश भी कर लिया है बट कोई लिंट या जो बुर आ जाती है ना जैसे वुलन क्लोथ पे वो नहीं आई है ये as it is है it ये है है बिल्कुल भी कुछ 600 रुपीज का जो है ये मुझे मुझे पड़ा था तो initially मुझे डाउट हो रहा था कि इस पे लिंट ना आ जाए बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा निकला है तो इसीलिए ये वाले स्वेटर्स जो हैं वो काफी सही रहते हैं मतलब इनको आप एज इट इज भी पहन सकते हो पहले तो खाली पहन लो या फिर आप अपने ब्लेजर के नीचे भी इसको पहन सकते हो और सबसे बेस्ट चीज पता क्या होता है ये वाले जो हाई नेक स्लिम फिट बॉडी हगिंग फुल होते हैं ना इनके साथ हमारी ज्वेलरी नेक पीसेस बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि ना विंटर्स में क्या होता है हम ज़्यादातर अपने नेक पीस तो पहन नहीं पाते हैं क्योंकि जैकेट है ओवरकोट है या हाई नेक है तो उसके ऊपर आता नहीं है बट इस टाइप के जो स्लिम फिट स्वेटर्स होते हैं जैसे आपने वीडियो में भी देखा होगा मैंने अपना नेक पीस इसके ऊपर से डाला हुआ है और ये बहुत ही क्लासी लगता है और अच्छा खासा फॉर्मल लुक भी देता है यार इनफैक्ट मुझे ये अच्छा लगा था स्वेटर तो इसीलिए ना मैंने इसका ब्लैक कलर भी ऑर्डर करके रखा हुआ है और ब्लैक तो यार बेसिक होता है ये तो होना ही चाहिए इसको बस मैंने अपने फॉर्मल ट्राउजर के साथ स्टाइल करा है नीचे अगेन न्यू डील्स पहनी है तो एक परफेक्ट ऑफिस वेयर जो है वो बन गया है सो गैस आई थिंक ये विंटर uh, कलेक्शन में एड करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट आई स्वेटर ये uh, मेरा डार्क ग्रीन कलर में स्वेटर है एंड इट्स अ क्रॉप स्वेटर और हाई नेक है मैं बोलूँगी ये ना हाई से भी हाई नेक है कि मतलब इतना ज़्यादा ऊपर तक आता है कि लिटरली ना मुझे फोल्ड करना पड़ता है तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना जब जैसे कि दिसंबर जनवरी उन टाइप के मंथ्स के लिए ये वाला स्वेटर जो है बहुत सूटेबल है और इस ये गर्म है काफ़ी इसका जो मटेरियल है ना वो वेलवेट काइंड ऑफ है और वेलवेट काइंड का देखो जो, जो आपको पता है मटेरियल है वो गर्म कितना ज्यादा होता है ना तो इसकी वजह से ना इसमें बहुत ज्यादा लेयर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है और मुझे ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें ना ज्यादा लेयरिंग ना ऐड करनी पड़े क्योंकि फिर ना बहुत मोटा मोटा सा लगता है पहन के मतलब एक तो मेरे को वैसे ही इतनी ज्यादा ठंड लगती है तो जब इतने सारे कपड़े पहन लो ना इतना डिस्कम्फर्ट आ जाता है यार हिला भी नहीं जाता है बिल्कुल तो इसीलिए ऐसे टाइप के होते हैं ना कि बस एक स्वेटर पहनो गर्म है और बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है बस हो जाता है फिर काम पूरा मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसको ना मैंने पेयर करा है अपनी ब्लैक प्लीटेड स्कर्ट के साथ और ये वाला इनफैक्ट जो वेलवेट टाइप का जो मटेरियल होता है ना ये ना पार्टी लुक में भी बहुत अच्छे लगते हैं जैसे अगर आपकी कोई भी ऑफिस पार्टी है तो आप इसको वियर कर सकते हो जैसे मैंने ब्लैक प्लीटेड स्कर्ट पहनी है नीचे आप भी अपने लॉन्ग शूज पहन लो और एक परफेक्ट पार्टी आउटफिट बन गया है ये या फिर क्लच ऐड कर लो साथ में कोई भी तो और भी अच्छा लगेगा सो so, इसीलिए मुझे तो मतलब वैसे यार मेरे को समर ड्रेसेस विंटर्स में पहनने का इतना शौक है ना जब मैं वो पहन पाती हूँ ना जैसे स्कर्ट के साथ मैंने इस स्वेटर को स्टाइल कर लिया ये बिल्कुल ना एज अ टॉप लुक ही दे रहा है तो ऐसा लग नहीं रहा कि जो ये हमने विंटर का स्वेटर पहना हुआ है एज अ टॉप लुक दे रहा है तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने जब समर के सारे के सारे, के सारे कपड़े जो है विंटर में यूज कर सकती हूँ आए तो सीरियसली लव इट अब अगला स्वेटर जो हमारी विंटर कलेक्शन में है वो है ये वाला इट्स अ मल्टी कलर स्वेटर एंड आई थिंक मल्टी कलर होना ना गर्ल्स में एक मस्ट है क्योंकि इस के जो variety of वाले outfit होते ना इनमें पिक्चर्स इतनी सुंदर आती है मतलब इतना कलरफुल सा लुक बन जाता है ना मतलब आप नीचे कुछ भी प्लेन पहनो और ऊपर ये मल्टी कलर वाला स्वेटर एड करो एंड जस्ट लुक एड योर पिक्चर्स अमेजिंग मतलब सुपर अमेजिंग रिजल्ट आता है इसका वैसे तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग स्वेटर नहीं है थोड़ा सा शॉर्ट ही आता है तो अगर आप वैसे शॉर्ट स्वेटर पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नीचे अपनी कोई भी लॉन्ग जैसे व्हाइट टॉप या रेड टॉप पहन सकते हो उसके ऊपर भी ये स्वेटर पहना जा सकता है इट विल लुक रियली रियली नाइस और ये थोड़ा सा ना लूजर है लूजर है तो मतलब टाइट टॉप पहन लो उसके ऊपर यह स्वेटर पहन लो या फिर टाइट स्किनी जींस जैसे मैंने पहनी है वीडियो में मैंने अपनी ब्लैक स्किनी जींस पहनी है उसके ऊपर ये जो है स्वेटर ऐड करा है तो बहुत ही कमाल का लुक लग रहा है और इसके जैसे स्लीव्स भी ना बिल्कुल फिटेड नहीं आते थोड़े से मतलब ऐसे थोड़े लूजर टाइप ही आते हैं तो इन बहुत मतलब कंफर्टेबल काइंड ऑफ लुक वाला ये स्वेटर है बट मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो इसका कलर ही लगता है क्योंकि मल्टी कलर है तो मल्टी कलर एक बहुत ब्राइटनेस सी ऐड कर देता है कभी भी डल डल आप फील कर रहे हो ना जस्ट ट्राई व्यरिंग कलरफुल क्लोथ्स ये मूड जो है ना आपका एकदम से अपलिफ्ट करेगा ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग सो इसीलिए ये मैंने विंटर कलेक्शन में जरूर ऐड करा है आप कभी भी अपने विंटर हॉलीडे पे जा रहे हो ना इस टाइप का स्वेटर जरूर लेके जाना फॉर अमेजिंग पिक्चर लास्ट स्वेटर इन द विंटर कलेक्शन इज दिस वन दिस इज अट फेदर स्वेटर फैदर मतलब इसका ऐसे ये फ़ेदर वाला जो है ना ऐसा स्टफ होता है और ऐसे ये थ्रेड्स निकले होते हैं आपने देखा भी होगा आजकल इस टफ़ के जो स्वेटर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये अच्छा ट्रेंड है मतलब आई रियली लाइक इट क्योंकि ना ये बहुत वार्म होते हैं एक्सट्रीम वार्म मतलब एक्सेसिव विंटर्स में भी आप सिर्फ अगर ये वाला स्वेटर पहनोगे ना आपको और कुछ पहनने की नीड नहीं है इनफैक्ट Uh, हम जनवरी या दिसंबर, आई थिंक दिसंबर में ही लास्ट ईयर हम कश्मीर गए थे और मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ ये स्वेटर पहन रखा और मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी थी आई रियली लाइक दिस ये अगेन uh, मतलब क्रॉप स्वेटर है uh, ये सॉरी ये इसका फ्रंट साइड है <laughs> <laughs> आगे से ये थोड़ा सा शॉर्ट आता है और पीछे से लंबा आता है तो आई वुड नॉट से ये लो वेस्ट जीन्स के साथ तो नहीं अच्छे लगेगा जो भी आपकी मिड राइज जीन्स है या जैसे मैंने पहना है अपनी फ्लेट जीन्स के साथ ये बहुत कंफर्टेबल लुक देता है डेली वेयर में पहन सकते हो ऑफिस में पहन सकते हो कहीं भी मतलब जैसे कभी शॉपिंग जाना है मार्केट जाना है इजी टू गो विंटर वेयर जब हमें चाहिए होता है ना तब इस टाइप के स्वेटर्स बहुत हैंडी आते हैं और बहुत काम के आते हैं और मुझे तो ये पैटर्न भी बहुत अच्छा लगता है ये बहुत सॉफ्ट होता है पहनने में ना हम तो पता है इसको क्या बोलते थे बचपन में मतलब भालू स्वेटर्स क्योंकि ये काफी पहले से चलते हैं ये अभी रिसेंटली फिर से ट्रेंड में आ गए बट ये बचपन में भी होते थे तो हम तो इसको भालू स्वेटर बोलते थे बट या इट्स एक्चुअली अ फेदर स्वेटर और व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर तो देखो पिक्चर्स में अच्छा आता ही आता है तो गर्ल्स के पास तो होना ही चाहिए, चाहिए तो या दिस रियली आई थिंक विंटर कलेक्शन में होना एक मस्ट है कलेक्शन जो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए क्योंकि ये मेरे तो वन ऑफ दस है मैंने पर्सनली यूज करे हैं तो मुझे पता है that these are really, really good. बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो यू वॉन्ट टू यू नो नो अबाउट द क्वालिटी और द प्राइस वैसे तो सारे के सारे मैं मैंशन कर ही दूंगी वीडियो में लिंक्स आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल बट अगर आप आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट बिलो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ना बाकी बी हैप्पी लव योर सेल्फ ड्रेस वेल एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो